Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to study science class 5 chapter 1. As we were studying about the brain, there are three main parts of the brain. There are three parts of the brain: cerebrum, cerebellum और medulla और brain stem. ठीक है, सबसे पहला पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे सेरिब्रम के बारे में. ठीक है, सेरिब्रम क्या हमारे कंट्रोल करता है? सेरिब्रम कंट्रोल्स योर वॉलंटरी एक्शंस लाइक थिंकिंग, फीलिंग, डिसीजन मेकिंग, रीडिंग, लिसनिंग, सीइंग एंड द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन टेस्ट एंड स्मेल. ठीक है, ये सबसे बड़ा पार्ट ऑफ ब्रेन होता है. इसको दो सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. ठीक है, और यही हमारी सारी फीलिंग्स को, हमारी थिंकिंग को कंट्रोल कर रहा होता है. ठीक है, ये कौन सा हिस्सा है? सेरिब्रम, CERE BRUM ब्रम, सेरिब्रम. ठीक है, जो ये नीचे आपको छोटा सा हिस्सा नज़र आ रहा है पिक्चर में, ये क्या कहलाता है? सेरिब्लम, CERE BRUM सेरिब्लम. आज हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे और मेडुला और ब्रेन स्टेम के बारे में भी पढ़ेंगे. सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं सेरिब्लम. व्हाट इज़ सेरिब्लम? द सेरिब्लम इज़ लोकेटेड बिलो द सेरिब्रम. ये सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे वाक़ होता है. ठीक है, ये ऊपर वाला जो सबसे बड़ा हिस्सा है, जो पिंक सा आपको नज़र आ रहा है, ये है सेरिब्लम. और अब जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो छोटा सा आपको नज़र आ रहा है, ये है सेरिब्लम. द सेरिब्लम इज़ लोकेटेड बिलो द सेरिब्रम एंड अबव द मेडुला. ठीक है, मेडुला से ऊपर है और सेरिब्लम से नीचे है. ठीक है, सेरिब्रम से नीचे और मेडुला से ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं? सेरिब्लम. इट्स फंक्शन इज़ टू कंट्रोल द बैलेंस. इसका क्या काम है? कि ये हमारे जिस्म को बैलेंस करता है. एंड मूवमेंट ऑफ द मसल्स एंड जॉइंट्स. जो हमारे मसल्स और जो हमारे जॉइंट है, मतलब जो हमारे जोड़ हैं, उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है. ठीक है, इसका क्या काम है? ये हमारे मसल्स और जोड़ों की हरकत को कंट्रोल करता है और उनको बैलेंस करता है. ठीक है, इट हेल्प्स यू टू रन. ये आपको भागने में काम आता है. वॉक, चलने के काम आता है. जंप करने के. एंड डू मैनी अदर फिजिकल एक्टिविटीज़. और बहुत से जिस्मानी काम करने के काम आता है. इन विच द मसल्स आर इन्वॉल्व. वो सारे काम जिनमें मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, उनको काम कंट्रोल करता है. ठीक है, द सेरिब्लम इज़ लोकेटेड बिलो द सेरिब्रम एंड अबव द मेडुला. ये मेडुला से ऊपर होता है और सेरिब्रम से नीचे होता है. इट्स फंक्शन इज़ टू कंट्रोल द बैलेंस एंड मूवमेंट ऑफ द मसल्स. ये मसल्स और जॉइंट, मतलब जोड़ों के हरकत और उसको कंट्रोल करता है और उनको बैलेंस करता है. इट हेल्प्स यू टू रन, वॉक, जंप एंड डू मैनी अदर फिजिकल एक्टिविटीज़. ये आपको चलने में, भागने में, जंप करने में और दूसरी बहुत सी जिस्मानी हरकत में मदद करता है. इन विच द मसल्स आर इन्वॉल्व, जिसमें मसल्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, इन सारे कामों के लिए कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्लम. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मेडुला के बारे में. मेडुला और ब्रेन स्टेम. द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड द ब्रेन स्टेम और मेडुला. जो ब्रेन का सबसे नीचे वाला हिस्सा है, इसको मेडुला या ब्रेन स्टेम कहा जाता है. इट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शन सच एज ब्रीदिंग, डाइजेशन एंड द बीटिंग ऑफ द हार्ट. ये हमारे इनवॉलंटरी, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते काम, उनको कंट्रोल करता है. ठीक है, मतलब कौन कौन से काम हमारे? ब्रीदिंग, सांस लेना, डाइजेशन, खाना हजम करना एंड द बीटिंग ऑफ द हार्ट, मसल्स और दिल के जो मसल्स हैं उनको गर्दिश में चलाना या बीट करना. ठीक है, व्हेन द रेस्ट ऑफ द ब्रेन गोज़ टू स्लीप. जब दिमाग का बाकी हिस्सा सो रहा होता है, द मेडुला कीप्स वर्किंग. तो मेडुला काम करता रहता है. ठीक है, जब बाकी दिमाग सो रहता है तो मेडुला काम करता रहता है, क्योंकि हमारी हार्ट बीट भी हर वक्त चल रही होती है, हम लोग सांस भी हर वक्त ले रहे होते हैं, चाहे हम सोए हुए हों या जागे हुए हैं, और हमारा खाना भी हजम हो रहा होता है, चाहे हम सो रहे हों या जाग रहे हों. ठीक है, इसका हर वक्त काम होता है, चाहे हमारा सोए हुए हैं या जाग रहे हैं. ठीक है, आज के लिए यही दो टॉपिक हैं आपके लिए, मेडुला स्टेम, मेडुला वाला, और सेरिब्रम. आपने इसको अच्छे से याद करना है और कॉपीज़ पे नोट डाउन करना है. ठीक है बच्चों, आज के लिए साइंस का यही है. अल्लाह हाफिज़.